7 अगस्त 1990 मंगलवार का दिन, देश में सब कुछ कमोबेश सामान्य था। सुर्खियों के स्तर पर बस प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उप प्रधानमंत्री रहे देवीलाल के बीच खटपट की खबरें थी। लेकिन उस शाम की केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग के बाद सब कुछ बदलने वाला था हमेशा के लिए। ये मीटिंग प्रकट तौर पर रूटीन थी, कोई खास एजेंडा घोषित नहीं हुआ था, इसलिए सभी मंत्री भी दिल्ली में मौजूद नहीं थे। जो थे वो शाम को प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच गए। मीटिंग शुरू हुई तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह अपनी जगह से खड़े हुए और एक पर्चा पढ़ने लगे। इसमें लिखा था, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है और अब इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का समय आ गया है। इसी उद्देश्य से आज मैं इस आयोग की एक सिफारिश, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है, उसे आप लोगों के समक्ष रखता हूँ और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशों के बारे में बाद में सोचा जाएगा। ये फैसला हिंदुस्तान की सियासत और समाज को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इसे सुनकर कई मंत्री चुप्पी साध गए। शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे मंत्रियों ने खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया। आगरा के जाट नेता और रेल राज्य मंत्री अजय सिंह ने एक अलहदा सुझाव जरूर दिया। उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसी में थोड़ा बहुत इधर उधर करके जनरल कैटेगरी, इसमें जाट भी शामिल थे, उसके गरीब लोगों के लिए भी कुछ जगह बनाई जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कोई बवाल नहीं होगा, अन्यथा इसका विरोध हो सकता है। अजय की ये सलाह नक्कार खाने की तूती बनकर रह गई। मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। विपक्षी दल पसोपेश में पड़ गए, समर्थन करें या विरोध, और सवर्ण वो सड़कों पर उतर कर आंदोलन शुरू करने लगे। डीयू के स्टूडेंट रहे राजीव गोस्वामी की आग में लपटी तस्वीरें इस विरोध प्रदर्शन का सिंबल बन गई। सरकारी फैसले के समर्थन में पिछड़े वर्ग के छात्रों ने भी रैली निकालना शुरू कर दिया और फिर उत्तर भारत में टकराव होने लगा। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की युवा वकील इंदिरा साहिनी कोर्ट पहुंची। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने संज्ञान लिया और मंडल आयोग की अधिसूचना पर तत्काल प्रभाव से स्टे का ऑर्डर दे दिया। इस स्टे के बाद कानूनी रूप से क्या हुआ हम सब जानते हैं। 3-1 बरस बाद कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया। इन सब के बीच मंडल एक नाम नहीं, एक मुहावरे में तब्दील हो गया। लेकिन मंडल का अर्थ क्या? ये नाम था पिछड़ों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए बने आयोग के अध्यक्ष का। ये नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का, शॉर्ट में बीपी मंडल। और यही बीपी मंडल 1.5 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। इनके सीएम पोस्ट पर पहुंचने की कहानी गजब की है। सांसद थे, मंत्री बने, लेकिन विधायक नहीं बन पाए तो लाल बत्ती चली गई। फिर पार्टी में बागियों का झंडा थामा, किसी को सीएम बनाया ताकि खुद विधायक बन सकें और फिर सीएम। ये सब कैसे हुआ आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री है, जिसमें आज बात होगी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की। बिहार के मधेपुरा जिले से 15 किलोमीटर दूर है मुरहो गांव। यहीं के एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे बिंदेश्वरी। शुरुआती पढ़ाई के बाद हाई स्कूल करने दरभंगा गए। देखा कि हॉस्टल में पहले अगड़ी जाति के लड़कों को खाना मिलता है, फिर उनका नंबर आता है, बेंच भी नहीं मिलती बैठने को। बीपी मंडल ने अपने समूह के लड़के जुटाए और लगे प्रदर्शन करने। उनके तेवर देखकर हॉस्टल वालों के कसबस ढीले पड़ गए। स्कूल के बाद पटना कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और भागलपुर में मैजिस्ट्रेट तैनात हो गए। कुछ ही बरस में चुनावों का ऐलान हुआ तो ये नौकरी पूर्व हो गई। कैसे? मधेपुरा से मशहूर सोशलिस्ट नेता भूपेंद्र नारायण मंडल, इन्हीं के नाम पर लालू प्रसाद ने फिर मधेपुरा में यूनिवर्सिटी शुरू की थी। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बीएन मंडल और बीपी मंडल में। बहरहाल भूपेंद्र नारायण मंडल सोशलिस्ट नेता चुनाव लड़ रहे थे। श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार तलाश रहे थे जो मंडल की ही जाति का हो और उन्हें मात दे सके। और तब किसी ने उन्हें बिंदेश्वरी मंडल का नाम सुझाया। बीपी मंडल को कांग्रेस का टिकट मिल गया और वो जीत भी गए। लेकिन 1957 के चुनाव में ये बिसात उलट गई। इस दफा निर्दलीय लड़े भूपेंद्र नारायण मंडल ने बीपी मंडल को हरा दिया। 5 साल बाद बीपी फिर विधायक हो गए। इस दफा टर्म पूरा होने से पहले ही उन्होंने पार्टी बदल ली।
लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बीपी मंडल ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी संसोपा को ज्वाइन कर लिया और वो लोकसभा के चुनाव में इसी पार्टी के टिकट पर मधेपुरा की लोकसभा से चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उनका अपने नए नेता से झगड़ा हो गया। इस झगड़े की बुनियाद थी संसोपा की नियमावली और मंडल की महत्वाकांक्षा। संसोपा का पार्टी संविधान कहता था कि प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधान परिषद के सदस्यों को राज्य सरकारों में पद नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे क्या था लोहिया का तर्क कि एक सांसद यदि राज्य सरकार में जाएगा तो उसकी सीट पर उपचुनाव कराना पड़ेगा। एक व्यक्ति की पदलोलुपता के कारण देश पर बेवजह आर्थिक बोझ पड़ेगा। उनका मानना था कि विधान परिषद और राज्यसभा वालों को जन सरोकारों की उतनी चिंता नहीं होती, इसलिए उन्हें भी मंत्रिमंडल में नहीं होना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष उसे अपने संगठन के दायित्व पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए सत्ता के बजाय। तो ये तो हुआ कायदा कानून। अब बात फौरी हकीकत की। मंडल चुनाव जीतकर सांसद बने, लोकसभा के साथ ही सूबे में विधानसभा के चुनाव भी हुए। इसमें कांग्रेस हार गई। विपक्षी पार्टियों ने महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में समृद्ध सरकार बनाई और इस सरकार में संसोपा भी शामिल हुई। कई विधायक मंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने और बीपी मंडल वो सांसद होते हुए भी मंत्री बन गए, हेल्थ मिनिस्ट्री ले लिए। और ये सब जब हुआ तो लोहिया क्या कर रहे थे? वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर के मुताबिक 1967 का चुनाव संपन्न होने के बाद लोहिया केरल चले गए। उस वक्त आज की तरह संचार के मुकम्मल माध्यम नहीं थे, तत्काल कोई सूचना नहीं पहुंच पाती थी। केरल के पॉलिटिकल ऑपरेशन निपटाकर जब लोहिया दिल्ली लौटे तो उन्हें पता चला कि मधेपुरा के सांसद बीपी मंडल महामाया सरकार में मंत्री बन गए और अब मंत्री पद बचाने के लिए पिछले दरवाजे से यानी विधान परिषद के रास्ते से बिहार विधानमंडल का सदस्य बनना चाहते हैं। लोहिया ने इस पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई और मंडल को विधान परिषद भेजे जाने के खिलाफ खड़े हो गए। नतीजतन बीपी मंडल को 6 महीने के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन पद छोड़ते छोड़ते बीपी मंडल ने लोहिया और संसोपा के खिलाफ एक गांठ बांध ली थी। मुख्यमंत्री सीरीज के पिछले यानी सतीश प्रसाद सिंह वाले एपिसोड में हमने आपको बताया कि महामाया सरकार कैसे गिरी, संसोपा के विधायकों के एक गुट ने बीपी मंडल के नेतृत्व में कैसे बगावत की, फिर त्रिवेणी फॉर्मूले के तहत कैसे पहले सतीश प्रसाद सिंह कुशवाहा समाज से आने वाले मुख्यमंत्री बने और ये भी जिक्र हुआ कि 3 दिन के सीएम सतीश का टास्क क्या था, बीपी मंडल को विधान परिषद में मनोनीत करने की सिफारिश करना ताकि वो फिर से सीएम पद की शपथ ले सके। इस पूरी प्लॉटिंग में कांग्रेस का बाहर से सपोर्ट था और इसमें इजाफा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता के बी सहाय के करीबी और विधान परिषद के मनोनीत सदस्य परमानंद सहाय ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया और फिर इसी सीट पर बीपी मंडल का मनोनयन हुआ। सतीश प्रसाद सिंह ने उनके लिए ये काम किया और 30 जनवरी 1968 को दूसरा काम किया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर और इसके 2 रोज बाद 1 फरवरी को बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद जहानाबाद, सीवान, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। इससे निपटने में मंडल सरकार बुरी तरह विफल रही। उधर कांग्रेस के अंदर भी मंडल सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर खींचतान चल रही थी। पार्टी के इस फैसले से नाराज एनटी केबी सहाय गुट के सरगना थे पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा और उनके नेतृत्व में 17 विधायकों ने बगावत कर दी। लोकतांत्रिक कांग्रेस के नाम से एक अलग गुट बना और मंडल सरकार से समर्थन वापस ले लिया इस गुट ने। महज 1 महीने पुरानी बीपी मंडल सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और नई जोड़ तोड़ में इस लोकतांत्रिक कांग्रेस खेमे के विधायक भोला पासवान शास्त्री का नाम मुख्यमंत्री की तख्ती पर टंग गया। सत्ता जाते ही बीपी मंडल ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। ये विधानसभा का नहीं था, उसमें तो अभी वक्त था, ये मधेपुरा लोकसभा का चुनाव था जहां मंडल के इस्तीफे के चलते उपचुनाव होना था। बीपी मंडल इस लोकसभा सीट पर फिर खड़े हुए, इस दफा निर्दलीय, और चुनाव जीतने में भी सफल रहे। लेकिन 2 साल बाद वो ये सांसदी रिवाइव नहीं कर पाए। 1971 की इंदिरा लहर में मंडल को कांग्रेस आर के राजेंद्र प्रसाद यादव के हाथों हारना पड़ा। 1977 में पोस्ट इमरजेंसी चुनाव में जनता पार्टी की लहर के बीच बीपी मंडल ने फिर से कांग्रेस से ये सीट छीन ली और पहुंच गए दिल्ली।
आपने मुख्यमंत्री के इस एपिसोड की शुरुआत में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने की कहानी जानी, अब आयोग के बनने की कहानी सुनिए। कांग्रेस के मुकाबले विपक्षी दलों की गोलबंदी में समाजवादी दलों की खूब भूमिका थी। ये दल दलितों के साथ साथ पिछड़ों के अधिकार की बात करते थे, लोहिया नारा लगवाते थे, संसोपा की यही पुकार पिछड़े पावे 100 में 60। उनके नेतृत्व की बात भी होती थी, प्रतिनिधित्व सिर्फ जमीन के स्तर पर नहीं शीर्ष पर भी, और बात होती थी कि सरकारी अमले में पिछड़े समाज के लोग कितने कम हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने की वजह से। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर पिछड़ा वर्ग के कई नेता चुनाव जीते, सरकार बनी मुरारजी देसाई की, और फिर देसाई सरकार ने कांग्रेसी सरकारों को राज्यों में भंग करवाकर विधानसभा के चुनाव करवाए, इसमें भी जनता पार्टी जीती। बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने अगले ही बरस बिहार की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण का कानून बना दिया, और इसके बाद केंद्रीय सेवाओं में भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान की मांग उठने लगी। ये विषय नया नहीं था सियासत के लिहाज से, नेहरू के समय भी आया था। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए काका कालेलकर आयोग बनाया था, लेकिन इसकी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में एक खामी ये थी कि सिर्फ हिंदुओं में ही पिछड़े वर्गों की पहचान की गई थी, बाकी धर्म छूट गए थे। इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने मधेपुरा के सांसद बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, अधिसूचना जारी कर दी, और बाद में इसी आयोग को मंडल आयोग, मंडल कमीशन कहा गया। जनवरी 1979 में मंडल आयोग ने अपना काम शुरू किया। कुछ ही महीनों के बाद जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और तब जनता पार्टी से टूटकर बनी जनता पार्टी सेकुलर की चौधरी चरण सिंह की सरकार ने सत्ता संभाली। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये सरकार भी चली गई, मध्यावधि चुनाव का ऐलान हो गया। इस चुनाव में बीपी मंडल एक बार फिर जनता पार्टी, ये चरण सिंह राजनारायण गुटवाली नहीं थी, चंद्रशेखर और जगजीवन राम गुटवाली जनता पार्टी थी, इसके उम्मीदवार बनकर मधेपुरा से मैदान में उतरे। लेकिन इस दफा बीपी मंडल तीसरे नंबर पर खिसक गए। उन्हें हराया कांग्रेस ओट्स के राजेंद्र प्रसाद यादव ने, वही राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने उन्हें 1971 में भी हराया था। वैसे इस चुनाव में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी भी हुई थी। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट उस समय की इंदिरा सरकार में गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी। इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के पिछड़े वर्ग के लगभग 3,500 से भी ज़्यादा जातियों की पहचान की गई थी और उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। मंडल की रिपोर्ट इंदिरा और राजीव राज में धूल खाती रही और वीपी सिंह राज जब प्रधानमंत्री पर पार्टी के दूसरे गुटों का और बाहर से समर्थन दे रही और कमंडल की राजनीति कर रही भाजपा का दबाव बढ़ा तो वीपी सिंह ने इस रिपोर्ट से धूल झाड़ दी और बन गए सामाजिक न्याय के मसीहा। वीपी सिंह मसीहा बन गए और बीपी मंडल, उनकी तो इस रिपोर्ट के सबमिशन के 16 महीने बाद ही पटना में मृत्यु हो गई थी। दशकों बाद उनके बेटे मनीन्द्र कुमार मंडल सियासत में आए, 2005 में दो दफा जेडीयू से विधायक बने, और पोते निखिल मंडल वो उसी मधेपुरा सीट से 2020 के विधानसभा चुनाव में मैदान में है, सीट जहां से दादा की सियासत शुरू हुई, दादा जिनकी सिफारिशों से भारत की सियासत हमेशा के लिए बदल गई। आप देख रहे हैं ललन टॉप की पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज मुख्यमंत्री। अगले एपिसोड में एक और मुख्यमंत्री के सियासी सफर की कहानी।